मेघालय की राजधानी शिलांग में रविवार शाम को बम धमाका हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि धमाके में किसी की जान नहीं गई। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने शिलांग बम हादसे की निंदा की है। मेघालय के शिलांग में रविवार शाम संदिग्ध बम धमाके से हड़कंप मच गया। बम धमाका शिलांग के पुलिस बाजार में हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस बाजार में दिल्ली मिष्ठान भंडार नाम की दुकान के पास धमाका हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। संदिग्ध बम धमाके में किसी के मरने की खबर नहीं है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ट्वीट कर पुलिस बाजार में हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, शिलांग के पुलिस बाजार में हुए विस्फोट की कड़ी निंदा करता हूं। शांति भंग करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश एक कायराना हरकत के अलावा और कुछ नहीं है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम राज्य में शांति सुनिश्चित करेंगे। धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद इलाके में निरोधक दस्ते को तैनात कर दिया गया है और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।